हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमसे एक सवाल पूछा गया है कि सर, एडसेंस में पहली पेमेंट पाने के लिए $100 कम से कम होना चाहिए, तो क्या हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी पेमेंट आगे आने वाली है उसको पाने के लिए एडसेंस में कितना डॉलर होना चाहिए? उसके लिए भी $100 होना चाहिए या $100 से कम भी रहेगा तो भी मिल जाएगा? तो दोस्तों, ये सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये सवाल तो काफ़ी छोटा है, लेकिन बहुत सारे नए क्रिएटर, नए यूट्यूबर की जो है कन्फ्यूजन से जो है इस सवाल को जो है पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आपका डाउट क्लियर करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए और ध्यान से समझिए। दोस्तों, जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, हम अपने YouTube चैनल को एडसेंस से लिंक करते हैं, और जैसे हम अपने YouTube चैनल को एडसेंस से लिंक करते हैं, हमारे वीडियो पर एडसेंस के थ्रू जो भी एडवर्टाइज शो किए जाते हैं उसका रेवेन्यू जो है हमारे एडसेंस अकाउंट में बनने लगता है। और उसका रेवेन्यू दोस्तों सबसे पहले तो हमारे YouTube स्टूडियो में दिखाया जाता है, और उसके बाद जब महीने की 10 तारीख आती है तो वो जो है अपडेट कर दिया जाता है एडसेंस में। मतलब हर महीने के 10 तारीख को पिछले महीने का जो भी रेवेन्यू बना रहेगा वो जो है हमारे नेक्स्ट महीने के 10 तारीख को एडसेंस में अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हमारा चैनल नया रहता है तो हमारा जो है रेवेन्यू काफ़ी धीरे धीरे बनता है। तो वहाँ पर जो है हमको पहली पेमेंट पाने के लिए कम से कम $100 कंप्लीट करना होता है एडसेंस में, और $100 कंप्लीट करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत भी करनी होती है। और जैसे ही हमारा $100 कंप्लीट होता है तो हमको जो 21 से लेकर 25 के बीच में जो है हमारे अकाउंट में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूबर इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि सर, पहली पेमेंट पाने के लिए तो $100 करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यूट्यूबर का ये कहना है कि सर, अगर पहली पेमेंट पाने के लिए $100 करना है तो क्या नेक्स्ट पेमेंट जो भी अगली महीने की पेमेंट रहेगी उसको भी पाने के लिए $100 करना होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 100% जो है आपको $100 करना ही है, क्योंकि ये एडसेंस का जो है थ्रेशहोल्ड सेट किया गया है। $100 से कम रहेगा तो एडसेंस आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं सेंड करेगा। तो हमेशा जो है एडसेंस से पेमेंट बैंक अकाउंट में पाने के लिए आपको एडसेंस में $100 रखना ही है। मतलब $100 आपको किसी भी तरह बनाना ही है, तभी एडसेंस जो है आपको आपके अकाउंट में पेमेंट सेंड करेगा। और दोस्तों, जैसे ही आपका $100 एडसेंस में कंप्लीट हो जाएगा, आपको एडसेंस जो है नेक्स्ट महीने में जो है 21 से 25 के बीच में आपका पेमेंट सेंड करेगा। और $100 से चाहे जितना भी ऊपर डॉलर चला जाए, वो सभी पेमेंट जो है आपको 21 से 25 के बीच में, जो आने वाली 21 से 25 तारीख रहेगी उसके बीच में आपके अकाउंट में भेज देगा। तो दोस्तों, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पहली पेमेंट हो या दूसरी पेमेंट हो या तीसरी पेमेंट हो, हमेशा पेमेंट बैंक अकाउंट में पाने के लिए एडसेंस में कम से कम $100 होना चाहिए। तो ये थ्रेशहोल्ड जो एडसेंस में सेट किया गया है, मतलब $100 से कम रहेगा तो पेमेंट नहीं मिलेगी। सीधी सी बात यह है, $100 या $100 से ऊपर रहेगा तो आपको पेमेंट जो है 21 तारीख से आने वाली 21 से 25 के बीच में पेमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि इसको लेकर जो है नए यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज रहते हैं, तो इस पर जो है वीडियो बनाकर कन्फ्यूजन सॉल्व करना चाहिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।